गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ऑफ क्लास वन. आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ इज, एम एंड आर. आज हम लोग किसका यूजेस पढ़ेंगे? इज, एम एंड आर का. तो देखो, इज, एम, आर इज यूज टू शो प्रेजेंट टेंस. इज, एम, आर का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? आज को, मतलब जो आज चल रहा है उसको शो करने के लिए. सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं. और प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग आर और या एम लगाते हैं. जैसे शी इज अ टीचर, मतलब वह एक टीचर है. तो यहाँ पर इज क्यों लगा? क्योंकि सिर्फ एक आदमी के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इज लगा. ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है. इसका मतलब वह, मतलब एक ही है. दे आर आवर हेल्पर्स, दे आर, यहाँ पे आर क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग है, इसीलिए वहाँ पर आर लगता है. वी आर इंडियंस, हम लोग मतलब हम एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल है, इसीलिए हम लोग आर लगाए. वी आर प्लूरल इंडियंस. अब क्या है यूजेस ऑफ आई? अब आई कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है वो देखिए. आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ. जब हम लोग खुद के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग आई का यूज़ करते हैं, तो आई के साथ हमेशा एम ही लगता है. आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्रा हूँ. आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ. आई एम हिज सिस्टर, मैं उसकी बहन हूँ. तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है? आई के साथ हमेशा एम लगता है. अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व कैसे करना, बनाना कैसे वो देखिए. पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर. अब इसमें जो भी सही है इसमें हम लोगों को टिक करना है. जैसे कि आई एम है और इज है, इस दोनों में क्या होगा? आई अ स्टूडेंट, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है? अभी मैंने क्या बताया कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पर क्या होगा? आई एम अ स्टूडेंट. अब यहाँ देखो, वी एम है क्या, एम आर या एम, इस दोनों में से कोई एक लगेगा, आ स्टूडेंट्स. तो मैंने अभी अभी बताया कि एक से ज़्यादा जब होते हैं, जब प्लूरल होता है तो इज या आर लगता है. तो सिंगुलर के साथ तो इज लगता है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो वी आर होगा. ठीक है, अब यहाँ पे शी इज या आर माई फ्रेंड. अब यहाँ पे इज शी क्या है? एक है, तो एक के साथ क्या लगेगा? इज. तो यहाँ पे क्या होगा? इज, शी इज माई फ्रेंड. अब यहाँ पे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, एम, आर. फिल इन द ब्लैंक्स है, इज, एम, आर का यूज करना है. यहाँ पे देखो क्या है, शी ब्लैंक्स अ गुड गर्ल. तो शी क्या है? एक है, सिंगुलर है, तो शी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा. शी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा. अब यहाँ पे देखो, इंडिया अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो इंडिया एक ही है, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इज लगेगा. यू आ पोस्टमैन, यू मतलब तुम ज़्यादा हो सकते हैं, हमको नहीं पता कितने हो सकते, तो यहाँ पे हम लोग यू के साथ हमेशा आर लगाते हैं. क्या लगाते हैं? यू आर आ पोस्टमैन. अब यहाँ पे देखिए क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब ये सेंटेंसेस गलत लिखे हुए हैं, अब हमको इसको सही करना है. जैसे द ट्रीज इज ग्रीन इन कलर, यहाँ पे ट्रीज है, ट्रीज मतलब एक से ज़्यादा, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए. यहाँ पे लिखेंगे द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर, क्योंकि एक से ज़्यादा हो जाने पर हम लोग आर लगाते हैं, सिंगुलर में हम लोग इज लगाते हैं. यहाँ पे आई इज प्लेइंग विथ यू, तो अभी जैसा कि मैंने बताया आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पे आई एम प्लेइंग विथ यू, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आई एम प्लेइंग विथ यू. अब यहाँ पे क्या है, दे एम राइटिंग एन एसे, तो एक से ज़्यादा है तो एम नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा आई के साथ ही एम लगता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दे
are writing an essay. ठीक है, ऐसे ही बनाना है आप लोगों को भी, ये देख लो ये मैंने अभी कैसे बनाया, वैसे ही आप लोगों को बनाना है. ओके, थैंक यू.